हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके, लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या आपके बारे में चर्चा हो रही है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे या ना करे, हो सकता है कुछ परसेंट मैच करे, हो सकता है सिर्फ यू नो 50% मैच करे, या फिर बिल्कुल रेजोनेट ना करे, ये भी हो सकता है। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है सिर्फ उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके, रीडिंग सभी जोडियक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। सफल करते हैं अच्छे से और देखते हैं कि लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं। ओके, चलिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स क्या बात है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो लोग आपके पीठ पीछे क्या बातें कर रहे हैं, क्या गॉसिप कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं आपको लेकर, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, देखिए, सबसे पहली चीज यहां मुझे जो नजर आती है वो ये है कि लोग कहीं ना कहीं, व्यूअर्स, आपके सक्सेस, आपके फाइनेंसेस को लेकर ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। आपकी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो तो इतनी ग्रोथ कैसे हो रही है, या आपकी लाइफ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल ग्रोथ है, तो वो कैसे है। लोग काफी क्यूरियस हैं, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ, फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर लोगों के मन में ज्यादा क्यूरियोसिटी है, ऐसा मुझे लगता है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, हो सकता है कि आप काफी अबंडेंट हो या अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर या ऐसा लगता है जैसे ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल हैं आप किसी फील्ड में, या फिर ग्रो कर रहे हैं और सक्सेस की तरफ, अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में सक्सेस, अबंडेंस बहुत आ रही है। हो सकता है आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट करती है, या आपका फैमिली बैकग्राउंड ही फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, जिसकी वजह से आपको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमन है, जिसकी वजह से लोग थोड़े थोड़ा एनवी की फीलिंग है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको देखकर थोड़ा सा लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है आपने इतना कुछ प्राप्त कर लिया, आपके पास इतना कुछ है। तो ऐसा नहीं कहूंगी मैं डायरेक्टली कि लोग जेलस है, जेलस नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े से शॉक्ड और सरप्राइज्ड फील करते हैं, थोड़ा सा अमेज्ड फील करते हैं। तो हो सकता है कि आप पहले से ही फाइनेंशियल बैकग्राउंड आपका ऐसा है, या कोई फैमिली बिजनेस है, कुछ ऐसा है जिस वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आसानी से आपको मिली, क्योंकि पहले से ही काफी स्टेबिलिटी और सपोर्ट था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने खुद ये सब बनाया है, पहले से आपके पास नहीं था, खुद अपने पैरों पर आप खड़े हुए हैं, खुद आपने अपने एसेट्स क्रिएट किए हैं, खुद आपने ग्रो किया है, हार्डवर्क किया है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि जो लोग हैं वो आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस और आपकी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी है, या जो भी किसी भी चीज को लेकर आपके पास कोई अचीवमेंट है, उसको लेकर थोड़ा सा सोचते हैं कि ये काफी अबंडेंट इंसान है, काफी सक्सेसफुल इंसान है, थोड़ा ऐसा सोच रहे हैं आपकी सक्सेस के बारे में, आपके फाइनेंसेस के बारे में, अरे इसके पास इतना पैसा है, या ये कितना पैसा खर्च करता है, इसके पास आता कहाँ से है, ये इतना खर्चा करता कैसे है, इसने क्या किया था, कहीं ये कोई और चीज भी तो नहीं करता या करती। कुछ ना कुछ लोगों के मन में क्यूरियोसिटी और क्वेश्चंस हैं आपके,
सक्सेस को लेकर, और थोड़ा सा अप्रिसिएशन भी है, लेकिन वो अप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, वो आपके बारे में गॉसिप हो रही है, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुके हैं, तो उस तरह से ये अप्रिसिएशन आ रहा है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि लोग कहीं ना कहीं आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहते हैं, कुछ लोग आपसे मॉरल सपोर्ट चाहते हैं, कुछ लोग आपसे एफर्ट्स चाहते हैं कि आप कुछ एफर्ट्स लें, कुछ कोशिश करें, आगे बढ़ें और उनकी तरफ स्टेप्स लें। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप खुद जाकर व्यूअर्स उनके साथ दोस्ती करें, बातचीत करें, उन्हें अप्रोच करें। ये आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है, कोई एक्स भी हो सकता है, कोई क्लोज फ्रेंड्स यानी पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, कई नए लोग भी हो सकते हैं जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर सक्सेसफुल, बिकॉज यू आर ग्रोइंग, बिकॉज यू हैव सम काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, और मे बी बिकॉज यू आर अ वेरी गिविंग पर्सन एट हार्ट। तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत काइंड हैं, ये बहुत ज़्यादा विश्वास करके लोगों की हेल्प कर देते हैं। तो कुछ तो ऐसा कारण है जिस वजह से ना लोग चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच भी करें। लेकिन अगर ये कोई पार्टनर है, कोई एक्स है, कोई कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर लव एंगल है, तो मुझे लगता है वहाँ पर भी कोई चाहता है कि आप उनके लिए एफर्ट्स लें। ऐसा लगता है कि कोई चाहती हैं या कोई चाहता है कि आप उनके लिए एफर्ट्स लें, उनकी तरफ मूव करें, उनकी तरफ कोई एक्शन लें। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, कोई चाहता है कि आप ना कुछ हेल्प करें। ये हेल्प इमोशनल हेल्प हो सकती है कि इमोशनल सपोर्ट करें किसी को, कोई बहुत अकेला फील कर रहा है, कोई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है ये सब और इस बारे में बात भी कर रहा है। हो सकता है आपका कोई पार्टनर है, कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है, वो अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के साथ डिस्कस कर रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे बात करे, मैं चाहती हूँ कि ये मुझसे बात करे, मुझे कॉल करे, मेरे साथ डेट पर चले, या मुझे अटेंशन दें, मैं चाहता हूँ, मुझे पसंद है इनसे बात करना, लेकिन ये इंसान मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये इंसान मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, और जितना ज़्यादा मैं इंटरेस्ट दिखाती हूँ या दिखाता हूँ, जितना ज़्यादा एफर्ट्स मैं लेता हूँ या लेती हूँ, उतना ये इंसान नहीं ले रहा है। मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ ये इंसान भी मेरे लिए एक्शन ले, एफर्ट ले, और या मुझे इमोशनली सपोर्ट करे। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत वीक और वल्नरेबल फील कर रहा हूँ इमोशनली, तो ये कहीं ना ये इंसान मेरा सपोर्ट सिस्टम बने। और यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, सोसाइटी में, कहीं भी, जो आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहते हैं। लोगों को लगता है कि अगर आप कैपेबल हैं, अगर आप बहुत गिविंग हैं, आप काइंड हैं, तो आप आसानी से मदद करेंगे, तो लोग आपसे एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आप उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करें। यस, ये लोग कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे इनकी पोजीशन कम है। इनकी जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन कहूँगी, वो आपसे थोड़ी कम है, इसीलिए ये आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर व्यूअर्स मुझे ऐसा भी लगता है जैसे कोई इंसान आपको लेकर बहुत कंफ्यूज है और इस बारे में भी डिस्कशन कर रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ। ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा, कोई ऐसा इंसान जो बहुत पसंद करता है आपको, जो बहुत अट्रैक्टेड फील करता है आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है या हो चुकी हैं आपसे, ऐसा कोई इंसान बहुत कन्फ्यूज है कि वो क्या करे। आप आउट ऑफ रीच हो ये सोचकर आपको छोड़ दे, यानी कि जाने दे, आपके बारे में ज़्यादा ना सोचे, या फिर कोशिश करें और आपके साथ कम्युनिकेट करने की, आपके साथ इंटरैक्ट करने की, या आपके साथ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश करें। क्या करें, लेट गो करें इस फीलिंग को, इस अट्रैक्शन को, या फिर एक्शन ले और इनिशिएटिव ले और आपकी तरफ मूव करें। तो कोई इंसान आपको लेकर बड़ा कन्फ्यूज है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई इंसान आपको समझ नहीं पा रहा है, लेकिन समझने की कोशिश कर रहा है कि आप किस तरह के इंसान हैं, क्या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपका थॉट प्रोसेस कैसा है, किस तरह के आप इंसान हैं, कोई समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज हो जा रहा है और कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पा रहा है, निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है, या नहीं निष्कर्ष तक पहुंच पा रही हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है इस बात का कि ये क्या करें और क्या डिसाइड करें, डिसीजन कैसा लें, सोल्यूशन कैसा निकालें,
और ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो गया है इस पर्सन के मन में, ये जो भी इंसान है, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए भी हो सकता है ये लोगों के साथ डिस्कशन कर रहे हैं या कर रही हैं, लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपना इंटरेस्ट और अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं आपको लेकर। तो मुझे लगता है कोई ऐसा इंसान है जो आपको लेकर बड़ी दुविधा में फंस गया है या फंस गई है। यस, और इस बारे में भी चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, काफी लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं और क्लैरिफाई करूंगी और मैं आगे बताऊंगी कि किस विषय में और किस तरह की बातें आपकी पीठ पीछे आपके बारे में हो रही हैं। ओके व्यूअर्स, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप अबंडेंट तो बहुत हैं, सक्सेसफुल तो बहुत हैं, फाइनेंशियली स्टेबल तो हैं, ग्रोथ तो है आपकी लाइफ में, लेकिन आप फिर भी अपने फाइनेंसेस को लेकर बहुत ही प्रोटेक्टिव हैं। कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कि कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं व्यूअर्स कि आप, अगर आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, असेट्स हैं, तो फायदा क्या उसका, आप बहुत ज्यादा उनको लेकर पजेसिव हैं और बहुत ज्यादा यू नो प्रोटेक्टिव हैं उनको लेकर, बहुत ज्यादा दूसरों के साथ शेयर नहीं करेंगे या बहुत ज्यादा दूसरों की हेल्प नहीं करेंगे, जो है उसे अपने तक रखेंगे और ज्यादा किसी की हेल्प करने के लिए अपने अपने रिसोर्सेज को, अपने असेट्स को शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, या यू नो किसी भी तरह से अपनी चीजों को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर और अपने लोगों को लेकर आप काफी प्रोटेक्टिव और पजेसिव हैं। ये खाली फाइनेंसेस की बात नहीं है, अपने रिश्तों और अपने फ्रेंड्स, अपने अपने पार्टनर, अपने आपके जो क्लोजेस्ट मेंबर्स हैं उनको लेकर आप काफी ज्यादा पजेसिव भी हो सकते हैं कि जो मेरा है सिर्फ मेरा है, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरा पार्टनर है, उन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। ओके, तो दिस पर्सन इज माइन और दिस थिंग इज माइन। तो कहीं ना कहीं आप का जिस चीज पर और जिस इंसान पर, जिस रिश्ते पर अधिकार है, उस पर आप अपना बहुत अधिकार समझते भी हैं, अपना बहुत हक जताते हैं, दिखाते हैं और बहुत पजेसिव भी हैं अपने पार्टनर, अपने अपने फाइनेंसेस, अपने असेट्स, अपने रिसोर्सेस को लेकर और अपने रिश्तों को लेकर भी। तो लोग इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसी भी चर्चा हो रही है कि आप काइंड हैं और विश्वास भी करते हैं लोगों पर और इसीलिए लोगों की हेल्प कर देते हैं, बट स्टिल यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं थोड़ा सा आप यू नो खर्चा करने में कंजूसी करते हैं। बहुत कम लोग होंगे जो ऐसी बातें कर रहे हैं, या ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं आपसे खर्चा करवाना चाहते होंगे, या आपसे कुछ छीन लेना चाहते होंगे, या आपको बेवकूफ बना के, आपको धोखे में रख के आपसे कुछ प्राप्त कर लेना चाहते होंगे। फिर चाहे वो आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करके आपके पार्टनर को आपसे दूर कर देना ही क्यों ना हो, तो वो कुछ आपसे दूर करना, कुछ आपसे छीन लेना चाहते होंगे। और जब ऐसा नहीं हो पाया होगा तो उन्होंने ऐसी बातें की हैं कि जैसे आप बहुत पजेसिव हैं, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हैं, बहुत ज़्यादा हक दिखाते हैं, हक जताते हैं, और आपका क्या है, आपकी यू नो किस पर आपका अधिकार है, क्या चीज़ आपकी है, उसे कभी शेयर नहीं कर सकते या उसके लिए ओपन नहीं है, कुछ तो ऐसी बातें कर रहे हैं लोग। तो वो इस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि उनके उनका जो इंटेंशन था, उनकी जो मंशा थी, उनकी जो इच्छा थी, वो उनके अकॉर्डिंग पूरी ही नहीं हुई। आपने उनकी विश को, उनकी डिमांड को या उनके विश को उनके अकॉर्डिंग पूरा ही नहीं होने दिया, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर उस चीज़ का गुस्सा हो सकता है या उस वजह से नाराज़गी हो सकती है। इस वजह से वो आपके बारे में ऐसी बातें कर सकते हैं कि आप बहुत पजेसिव हैं, कंट्रोलिंग हैं, बहुत अपना हक दिखाते हैं, हक जताते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि आप थोड़े से माइजर हैं, कंजूस हैं। यस, जो आपका है उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है। लेकिन सभी ऐसा नहीं सोचते, कुछ लोग आपसे अभी भी हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं और वो हेल्प भी है और एक्शंस भी हैं कि आप उनकी तरफ बढ़ें। ओके, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि लोग इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि आप सामने वाले इंसान के संग वैसा ही बिहेव करते हैं, उतना ही उसकी हेल्प करते हैं या उतना ही उससे फ्रेंडशिप करते हैं, उतना ही उसके साथ ओपन या फ्रैंक होते हैं जितना वो डिजर्व करता है। यानी कि आप बहुत फेयर, इक्वल और यू नो बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ते हैं।
अगर कोई इंसान आपको बेवकूफ बनाने की, आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके साथ आप वैसा ही बिहेव करेंगे। उसके लिए एकदम पजेसिव हो जाएंगे कि अपनी कोई चीज उसको नहीं शेयर करेंगे, और उसको यू नो उसके साथ ज्यादा ओपन अप भी नहीं होंगे, ज्यादा उसे अपनी लाइफ में भी अलाउ नहीं करेंगे। तो वो जैसा इंसान है उसके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे, और जो इंसान सही में सच में यू नो वीक है, वल्नरेबल है, परेशान है, जिसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, जिसका कोई आपको कोई बेवकूफ़ बनाने का या आपका आपके साथ धोखा करने का जिसका कोई इंटेंशन नहीं है, फिर चाहे वो प्यार में हो या दोस्ती में, तो ऐसे इंसान की आप बहुत हेल्प भी करते हैं, ऐसे इंसान के लिए हमेशा आप खड़े रहते हैं। लेकिन आपका नेचर इसी तरह का है कि जैसा व्यक्ति आपको मिलता है आप उसके साथ वैसे ही डील करते हैं, जैसे को तैसा। तो मतलब बहुत फेयर अप्रोच है आपकी, बहुत यू नो इक्वल और बैलेंस्ड अप्रोच है आपकी। तो लोग, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, मैंने कहा ना कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि आप बहुत काइंड हैं, हेल्प भी करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आप उनके लिए एक्शन लें, उनके लिए एक इमोशनल सपोर्ट बनकर खड़े रहें या उनकी तरफ आगे बढ़ें। तो वो लोग कहीं ना कहीं जानते हैं कि अगर वो लोग आपके साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं या करते हैं तो आप भी करेंगे, इसीलिए वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जेलस हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका कोई रॉन्ग इंटेंशन था और वो पूरा नहीं हो पाया, तो वो गुस्से में ये सब बोल रहे हैं कि आप कंजूस हैं या आपका दिल बहुत छोटा है ऐसा कुछ। ओके हाँ, मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है, या पहले था या अभी हो सकता है, जिसको डर है कि वो आपको खो देगा। कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में हो सकता है जिसको ऐसा डर लग रहा है कि वो आपको खो देगा, आप उससे दूर चले जाओगे, और आप उसके लिए बहुत वैल्यूएबल हो, तो शायद वो किसी से शेयर भी कर रहा है, तो शायद ये इंसान किसी को बोल भी रहा है कि पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, ये कनेक्शन कभी स्ट्रांग हो पाएगा या नहीं, या कभी शादी होगी या नहीं, कहीं मैं इस इंसान को खो तो नहीं दूंगा, कहीं ये इंसान मुझसे दूर तो नहीं जा रहा है। तो कोई है जो आपको खोने से डर रहा है, और वो इस बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, जो भी उसके पास है उसके साथ शेयर कर रहा है कि वो आपको खो देगा। तो हो सकता है किसी रीजन की वजह से यहाँ पर कोई इंसान है जो डर रहा है कि वो आपको खो देगा। और मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान हो सकता है व्यूअर्स जो कंफ्यूज है कि वो आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ एक्शन ले, या फिर लेट गो करे और अपने अट्रैक्शन को सप्रेस कर दे, हाइड कर दे। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान कंफ्यूज था और कंफ्यूज है, और उसको डर लग रहा है कि जितनी भी आपके साथ उसकी बॉन्डिंग है, जितनी भी आपके साथ उसकी फ्रेंडशिप है, बॉन्डिंग है, कनेक्शन है, कहीं वो भी खत्म ना हो जाए। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको खोना नहीं चाहता, और बहुत कंफ्यूज भी है और उसको डर भी लग रहा है। यहाँ पर व्यूअर्स ऐसा लगता है कि, चलिए पहले मैं एक कार्ड और लेती हूँ। ओके, आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको धोखा दिया है, और 60-70% ये धोखा पैसों को लेकर हो सकता है, और अब तक अगर नहीं दिया है तो हो सकता है कोई धोखा दे रहा है और आपको पता नहीं है, ये भी हो सकता है। ये धोखा किसी भी तरह का हो सकता है, फिर भी मैंने 60-70% फाइनेंशियल कहा है, और 30-40% हो सकता है कि ये लव लाइफ में है, या फैमिली में है, रिलेटिव्स में है, वर्क प्लेस पर है। लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो आपके फाइनेंसेस के संग मैनिपुलेशन कर सकता है, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे पैसे बोरो करके गायब हो जाए, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे कहीं इन्वेस्टमेंट करवा ले और फिर आपको कोई रिटर्न ना मिले, कोई ऐसा इंसान है जो कुछ तो आपके फाइनेंसेस में कुछ ट्विस्ट मैनिपुलेशन कुछ ऐसा कर सकता है। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है कि कोई इंसान ऐसा कर तो नहीं रहा है आपको चीट करे फाइनेंशियली या इमोशनली आपको चीट करे, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने आपके साथ गलत किया है, चीटिंग की है, और हो सकता है अभी तक की नहीं है तो इस बारे में कोई बातें कर रहा है। हो सकता है कोई इमोशनली आपको हर्ट कर दे जिसका इंटेंशन गलत है, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो अपने हिसाब से आपको ट्विस्ट नहीं कर पाए, आपको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं कर पाए,
तो वो लोग कहीं ना कहीं थोड़े से जल के बैठे हैं या थोड़े से नाराज होके बैठे हैं, तो ऐसे ही लोग कुछ प्लान भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है फाइनेंसेस को लेकर, और स्पेशली मैं कहूंगी चीटिंग ना होने पाए, ज्यादा अवेयर रहिएगा, ज्यादा अटेंटिव रहिएगा। यस, फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा लोगों पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है आपको आने वाले कुछ समय के लिए। या राइट, तो ऐसे ही कुछ चर्चा लोग आपके बारे में कर रहे हैं। स्टिल मैं कुछ कार्ड और लूंगी। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। पता नहीं मेरा ये थ्रोट कब ठीक होगा। लेट गो। आई नीड वन कार्ड। ओके ओके, अंडरस्टैंडिंग। कोई बहुत याद कर रहा है आपको? ये वही इंसान हो सकता है जो आपको खोने से डरता है। ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है और आपकी तस्वीरें देख रहा है, आपके पुराने मैसेजेस, चैट्स, आपकी फोटोज, पिक्चर्स देख रहा है और बहुत ज्यादा आपको याद कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है लेकिन आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा और इंतजार कर रहा है कि आप एक्शन लो। ये इंसान मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। ये इंसान आपको याद बहुत कर रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब वो आपके लिए कोई एक्शन नहीं लेगा। अगर आप सीरियस हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप एक्शन जरूर लीजिए। ये इंसान इंतजार भी कर रहा है और ये खुद आपकी तरफ नहीं आ पा रहा और ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप समझ जाएं कि ये क्यों नहीं आ सकता, इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी क्या मजबूरी है। आपको ये समझना होगा, आपको इसकी सिचुएशन को इनकी नज़र से देखना होगा, इनकी परिस्थिति को इनके पर्सपेक्टिव से समझना होगा कि वो क्यों नहीं आ सकते आपके पास और अब आपको आना होगा। तो ये इंसान मुझे लगता है व्यूअर्स को आपको बहुत याद कर रहा है और इस बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि आई मिस दिस पर्सन एंड ये इंसान समझता क्यों नहीं है कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, ये इंसान समझता क्यों नहीं है कि मैं किस तरह से स्टक हूँ या कन्फ्यूज हूँ, ये इंसान मेरे लिए एक्शन क्यों नहीं लेता है। तो ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ओके व्यूअर्स, यस व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है, थोड़ा बहुत आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है, रिलेट करती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कितने परसेंट आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।